नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी पकोड़े जो बने हैं मक्के के दाने से। बहुत ही टेस्टी लगते खाने में। आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार आपका मन करेगा बनाने का। इतने टेस्टी लगते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं सभी को। बच्चे बड़े सभी को शुक्र खाते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने मक्की के दाने लिए हैं, ये बिल्कुल कच्चे वाले हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे बूटे से। अभी देखिए यहाँ पर इसमें हरी मिर्च मिला देंगे। मैंने दो हरी मिर्च कट की हैं छोटी छोटी। अभी यहाँ पर एक प्याज कट किया है बारीक, उसे भी डाल देंगे। अभी देखिए यहाँ पर बेसन लिया है एक कटोरी, तो आधा पहले डालेंगे हम। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। अभी इसमें आधा चम्मच जीरा भी डाल देंगे। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं, उससे और भी ये क्रिस्पी बनेंगे। या फिर आप जैसे ब्रेड के क्रम्स होते हैं ना, वो बना कर रख लें, वो भी डाल सकते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छे टेस्टी बनेंगे पकौड़े। अभी इसमें यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से मक्की पर, जो मक्की के दाने हैं उस पर अच्छी तरह से लग जाए। अभी आधा कटोरी है जो, ये भी डाल देंगे इसके ऊपर से। अभी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, इसे अच्छी तरह से गाढ़ा ही करेंगे। उसके बाद इसके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो अब ये रेडी हो चुका है। तो भी चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, अभी गर्म हो चुका है ऑयल। अभी इसमें ऐसे पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आप ऐसे चम्मच से भी छोड़ सकते हैं या फिर आप हाथों से भी ऐसे कढ़ाई में छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम डालते जाएंगे, जितने कढ़ाई में आराम से आ जाएंगे ना उतनी हम पकौड़े इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से डाल दिए हैं मैंने। आज को यहाँ पर मीडियम से लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। यदि गैस को ज़्यादा हाई रखेंगे तो जल्दी पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर गैस को मीडियम से लो रखें। उसके बाद ये धीरे धीरे पकेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट बनेगा इनका, और अच्छे भी पक जाएंगे अंदर से भी। तो अभी देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर इसको दूसरी साइड से ऐसे पलट देना है ताकि ये जो नीचे से तो ये अच्छी तरह से सिक चुके हैं, ऊपर से अभी ये कच्चे हैं, तो इनको अच्छी तरह से हम ऐसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से पलट देना है। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देना है। जैसे गोल्डन कलर आ जाएगा ना इनका, तभी इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इनका गोल्डन कलर हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये बन चुके हैं। ये देखिए आपको देखने से लग रहा है कितने क्रिस्पी बने हैं, ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और जो बाकी बचे हैं उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले बाकी जो बचे हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हाथों से जल्दी बन जाते हैं ऐसे। अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो आप एक बार इस तरीके से ये बूटे के ये पकोड़े ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएंगे सभी को। चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। इन्हें भी हम पलट देते हैं दूसरी साइड से इस तरह से। देखिए ये देखिए इस तरह से इनको पलट देना है, और इन्हें भी अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। आप इन्हें चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इनकी स्पेशल चटनी में बनाए जाते हैं ग्रीन वाली, वो आप बना सकते हैं, या फिर आप टमाटो केचप के साथ इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। ये देखिए इस तरह से इनको अच्छी तरह से पका लेना, उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे ये मक्के के दाने से पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएंगे सभी को। सभी आपकी प्रशंसा करेंगे एक बार उन्हें खिला देंगे तो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।